और बेटा पूरा एक हफ्ता हो चुका है, तुमने अपने बच्चे को गोद में भी नहीं लिया, इसे गोद में तो ले लो कम से कम। नहीं अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल में किसी ने मेरा बच्चा चेंज किया, ये मेरा नहीं है, ये मेरी औलाद ही नहीं है। कहाँ से लग रही है आपको मेरी औलाद? नहीं है ये, चेंज किया हॉस्पिटल वालों ने, पूछे उनसे। मुझे भी यही लग रहा है, हमारे साथ कोई धोखा हो गया। इसके ना नैन नक्श तुम्हारे जैसे, ना रंग तुम्हारे जैसे, जरूर हमारे साथ धोखा हुआ है। और बाज आता है तो मैं करती हूँ उससे बात कि हॉस्पिटल वालों से बात करें, ये हमारी बच्ची नहीं है। ये कैसे हो सकता है, इतनी काली तुम्हारी बच्ची नहीं हो सकती। आंटी किस तरह की बात कर रही हैं आप? सिर्फ इस वजह से कि इसकी रंगत आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं, आपने इसे अपना खून मानने से इनकार कर दिया। अफसोस की बात, और उससे ज्यादा अफसोस मुझे तुम पर हो रहा है। मैं एक हफ्ते से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी बेटी है, अल्लाह की नाशुक्री मत करो। बस एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से। तुम जैसी शोबाजी की शौकीन औरत से और तवक्को क्या की जा सकती है? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया, तुम और मैं अब साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा साया भी मैं अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दे सकता। मेरी बेटी मेरे लिए खुदा की रहमत है और मुझे बहुत ज्यादा अजीज है, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। इसलिए रहो तुम अपनी झूठी दिखावे की जिंदगी में, हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बेटा ऐसे नहीं को। नहीं 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 अरबाज, मेरे बेटे का बेटा है, जाहिर है बेटे पे ही जाएगा। रंग देखो इसका कैसे सफेद है माशाल्लाह से, और ऊपर से ये पिंक, खड़ी नाक, खूबसूरत नैन नक्श, तो बिल्कुल मेरे पे गया है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, सब मेरी वजह से हुआ।